हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनबा फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में सो so, इस कंपनी का आईपीओ आ गया है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप देख सकते हैं मिनिमम क्वान्टिटी है वन शेयर्स का प्राइस रेंज है फ्रॉम हंड्रेड टू रुपीज सो so, अगर आपको इस आई में पार्टिसिपेट करना है तो अगर आप एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ हंड्रेड एंड फोटीन सो हंड्रेड एंड मल्टीप्लाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव वो होता है फोटीन थाउजेंड टू फिफ्टी रुपीज़ सो so, अगर आपको इस आई में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा फोर्टीन थाउजेंड टू फ़िफ्टी रुपीज़ इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर इशू साइज ऑफ एटी सेवन नाइन्टी नाइन थाउजेंड का लॉट साइज़ है वन ट्वेंटी फाइव का आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन के, के टाइम देख लेते हैं ऑफर स्टार्ट होता है ऑन ट्वेंटी थर्ड 2024, टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑफ़र एंड होता है ऑन ट्वेंटी फिफ्थ 2024, टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर होता है ऑन ट्वेंटी सिक्स 2024, टू थाउज़ेंड ट्वेंटी फोर रिफंड इनिशिएट होता है ऑन ट्वेंटी सिक्स 2024, टू थाउजेंडेंड ट्वेंटी फोर ट्रांसफ़र होता है ट्वेंटी सेवन 2024, टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर लिस्टिंग होता है ऑन थर्टीएथ सप्टेम्बर टू थाउज़ेंड ट्वेंटी फोर एंड मैंडेट एंड होता है ऑन टेंथ अक्टूबर टू ट्वेंटी फोर तो ये है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ मनबा फाइनेंस लिमिटेड आप देख सकते हैं इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है दस रुपए सो इस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जैसे कि प्रोमोटर्स के नाम जनरल रिस्क इन्वॉल्व इश्यूज एफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्टिंग सो so, चलिए देख लेते हैं अबाउट अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल इफॉर्मेशन लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन इशू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सारी जानकारी आपको रेड रेडियरिंग प्रॉस्पेक्टस में देखने को मिलेगी सो so, एक बार इस रेड रेडेयरिंग प्रॉस्पेक्टस को जरूर पढ़ लीजिए ये आपको एन के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा सो so, चलिए जान लेते अबाउट मनबा फाइनेंस लिमिटेड इट इज़ अ बुक बेड इशू ऑफ वन फिफ्टी पॉइंट एट फोर करोर रुपीज़ द इशू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ वन पॉइंट टू सिक्स करोर शेयर्स यहाँ पर आप बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं जैसे कि फेस वैल्यू है स्टॉक की दस रुपये टोटल इशू साइज है ऑफ़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन शेयर्स फ्रेश इशू है ऑफ़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन शेयर्स इशू टाइप है बुक बेड इशू आई पी ओ लिस्टिंग एट बी एस सी एंड एन एस सी शेयर होल्डिंग प्री इशू है थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स मिलियन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा फिफ्टी पॉइंट टू मिलियन आई पी ओ रिजर्वेशन देख सकते हैं रिटेल शेयर्स के लिए है थर्टी फाइव परसेंट रिजर्व IPO एंकर इन्वेस्टर्स भी देख लेते हैं एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर फिफ्टी परसेंट शेयर ऑन ट्वेंटी सिक्स अक्टोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन ट्वेंटी फिफ्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आई पी ओ के टाइम लाइन भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी आई पी ओ लॉट साइज भी यहाँ पर मैंशन है आई पी ओ प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं शेयर होल्डिंग प्री इशू है हंड्रेड परसेंट शेयर होल्डिंग पोस्ट होगा सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन एट परसेंट तो चलिए जान लेते हैं अबाउट मनबा फाइनेंस लिमिटेड इट वॉज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन नाइनटी एट मनबा फाइनेंस लिमिटेड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऑफरिंग फाइनेंशियल सोल्यूशंस फॉर न्यू टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स यूज कार्स स्मॉल बिजनेस लोन्स एंड पर्सनल लोन्स यहाँ पर आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं अमाउंट मैं इन क्रोर्स इनका जो रेवेन्यू है एज ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वो है वन नाइनटी वन पॉइंट सिक्स थ्री क्रोर्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थर्टी वन पॉइंट फोर टू करोर्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी यहाँ पर आप देख सकते हो आर ओ ई इज़ ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट डेट टू इक्विटीज़ थ्री पॉइंट सेवन फाइव आर ओ एन डब्ल्यू इज़ फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट पी बाई बी वी रेशो इस टू पॉइंट टू फाइव प्री आई पी ओ ई पी एस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है एट पॉइंट थ्री फोर रुपीज़ पोस्ट आई पी ओ वो होगा सिक्स पॉइंट टू फाइव रुपीज़ प्री आई पी ओ पी ई रेशियो है फोरटीन पॉइंट थ्री नाइन पोस्ट आई पी ओ वो होगा नाइनटीन पॉइंट वन नाइन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख सकते हैं टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स टूवर्ड्स ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट द कंपनीज फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स सो इस वेबसाइट का रिव्यू है दैट यू कैन अप्लाई इन दिस आई पी ओ ऑल द यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आई पी ओ सो दंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंसियर फॉर टू एंड थ्री व्हीलर एज हैज सर्विसेज फॉर यूज कार्स पर्सनल लोन्स स्मॉल बिजनेस लोन्स एक्सेट्रा इट मार्क स्टडी ग्रोथ इन इट्स टॉप एंड बॉटम लाइन फॉर द रिपोर्टेड पीरियड्स बेस्ड ऑन एफ आई ट्वेंटी फोर अर्निंग्स द इशू रिलेटिवली आई पी एस फुल्ली प्राइज्ड इन्वेस्टर्स मे पाक फंडस फॉर लॉन्ग टर्म सो ये था हमारा आई पी ओ एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आई पी ओ एनालिसिस स्टॉक स्प्लिट्स बोनशेस एंड डिविडेंट पेयर्स की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग है अ ग्रेट डे हेड